स्काई इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने घर में बाहर बैठी महिला व उसकी सास पर असलहे से फायर झोंक दी, जिसके बाद महिला व उसकी सास घायल हो गई। इस घटना के बाद आपको बता दें कि पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी वारदात होने से कहीं ना कहीं पुलिसिया जो इकबाल है उसको भी चुनौती दी है बेखौफ बदमाशों ने। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, ये लखीमपुर खीरी जिले के किस थाना इलाके का मामला है, कौन वो बेखौफ बदमाश है जिन्होंने घर के बाहर बैठी महिलाओं पर फायर झोंक दी, और इस वक्त महिलाओं का उपचार कहाँ चल रहा है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी घटना है ये लखीमपुर, और लखीमपुर से 10-15 किलोमीटर पर ओएल कस्बा है, जहाँ पर चौकी है और एक वहाँ मोहल्ला है शिवाला पुरवा। उस शिवाला पुरवे की सुबह 10 बजे की घटना है, और घटना कुछ बदमाशों ने अंजाम दी, जो 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे बदमाश, और इनका विवाद एक पहले से चला था, ऑटो रिक्शा को ई रिक्शा को लेकर एक विवाद चल रहा था। जो सुमित जायसवाल या इनका परिवार है, इनका कहना है कि इनका एक विवाद चल रहा, तो काफी दिन से इन लोगों को धमकी मिल रही थी कि मारा जाएगा और लूटा जाएगा, और इनके पिताजी जो घायल हैं और जो कांति देवी हैं जिनको रिफर किया गया है, जो लगभग 35 वर्ष की हैं, जो बहू हैं, और इनकी सास ये घर के बाहर बैठी हुई थी रामकली, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष बताई जा रही है, ये बाहर बैठी थी, और उसी वक्त ये बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर आए हैं, और 3 मोटरसाइकिल आने पर आधा धुंध फायरिंग की है। आधा धुंध फायरिंग करने के बाद इन दोनों को गोलियां, किसी को पेट में गोली लगी है और एक को कमर के ऊपर गोली लगी है। इसमें कांति को लखनऊ के लिए रिफर कर दिया गया है, साथ ही जो रामकली हैं उनका इलाज लखीमपुर के CSC में चल रहा है। फिलहाल जो पूरा मामला है ये ई रिक्शे को लेके सामने आ रहा है, और बताया जा रहा है काफी दिनों से ये लोग आते थे, इन्होंने नामजद एक FIR की है, जो इनके लड़के ने FIR दी है, जो घर के बाहर बैठा होता है जिसको मारने की बात कर रहे हैं, लकी जायसवाल उसका नाम है, और उसको अभय सिंह जो इनका कहना उसके ऊपर आरोप है कि उनके आदमी हैं, और इन सबको प्रियांशु, अभय सिंह, अर्जुन और कई लोगों का नाम इसमें दिया गया, लगभग आधा दर्जन लोगों का नाम दिया गया है इस तहरीर के अंदर, और बोला गया ये सब आए दिन को धमकी दे रहे थे और इनके पिताजी को बैठा लेते, बामशक्कत कल शाम को उनको छोड़ा है, ई रिक्शे को छोड़ा है, और इस बात को लेकर विवाद हो रहा था, और बोले थे किसी तरीके से लकी जायसवाल जो है उनका लड़का उसको मारने की धमकी दे रहे थे कि उसको मारा जाएगा, और रामकिशन जो है इनको बंधक बनाए हुए थे। फिलहाल काफी गहमा गहमी के बाद आज सुबह जब इनकी सास और ये बहू घर के बाहर बैठी थी, कांति देवी और रामकली, तो उस वक्त ये 3 मोटरसाइकिल पे बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें लोग घायल हो गए हैं, और काफी बड़ी वारदात है प्रियांशु जी। एक्चुअली लखीमपुर खीरी में 2-3 दिन से लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की चीजें कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं। अभी भीरा का कल जो रड़ा बाजार का मामला था, आज सुबह से वो भी काफी गंभीर चल रहा था, बामुश्किल वहां के जो भीरा के SO हैं शिवाजी दुबे, उनको वहां से हटाया गया है, करणी सेना की डिमांड पे उसको हटाया जाए, तभी वो कल दोनों जो मर्डर होते, डबल मर्डर जो हुआ था उसमें अंतिम संस्कार उन तभी किया जब शिवाजी दुबे को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद अभी कुछ देर पहले, 1-2 घंटे पहले ही वहां का मामला शांत हुआ है, भारी पुलिस बल था वहां पर, काफी फोर्स थी वहां पर, और वो शांत भी नहीं हो पाया था, और ये घटना ओएल कस्बे में घट गई जहाँ पे फायरिंग हुई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची, CO पहुंचे हैं लखीमपुर के, चौकी इंचार्ज पहुंचे हैं, थाना प्रभारी पहुंचे, और बहुत काफी फोर्स वहां लगा दी गई है, दबिश दी जा रही है ओएल में कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। और इससे पहले एक घटना और हो गई थी लखीमपुर खीरी में, पास में ही चोरी की वारदात खीरी कस्बे में, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में प्रश्न उठ रहे हैं प्रियांशु जी यहाँ पर, लेकिन ये जो घटना आज दिन दहाड़े हुई है ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून का मखौल उड़ाते बदमाशों के लिए हो रही है। उन्होंने चैलेंज दिया है पुलिस प्रशासन को, और बेखौफ होके इन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया है, तो कहा जाए तो बिल्कुल शहर के पास का ये मामला है, और जहाँ पे पुलिस चौकी है, CSC है, काफी आवागमन वहां पे रहता है, और वहां पे इन्होंने ये दुस्साहस दिखाया है। प्रियांशु जी अभी कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं आ रही है,
और फिलहाल उसमें जो कांति देवी लखनऊ के रेफर की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, और इन सब चीज को लेके पहले जो पुलिस से बात आई इंडिया कर रहा हूं उनका कहना है कि हमारा पहले उपचार प्राथमिकता है और बहुत जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ई रिक्शे को लेकर विवाद चल रहा था और कहीं अगर देखा जाए तो बदमाशों के हौसले काफी लखीमपुर जनपद में बुलंद नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का ओयर कस्बा है और जो थाना लगता है वो खीरी थाना लगता है, वो लखीमपुर जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और बताया जा रहा है कि यहीं के रहने वाले लकी जायसवाल पुत्र रामकिशन जायसवाल ने एक खीरी थाने में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ माह एक सप्ताह पहले उनके पिताजी ई रिक्शा लेकर लखीमपुर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में प्रांशु सिंह पुत्र सुरेश सिंह ने अपने एक साथी के साथ उन्हें ओवरटेक करने को लेकर मारा पीटा था, तभी से ये लड़ाई बढ़ी थी, विवाद बढ़ा था। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रामकिशन है ई रिक्शा चालक, इसको ये लोग जो दबंग है वो बंधक बनाए हुए भी रखे थे, और बीती 3 अगस्त को उन्हें छोड़ा हुआ था। और आज जैसा कि तहरीर में दिखाया गया है कि लकी जायसवाल जो पीड़ित का बेटा है उसने आरोप लगाया है कि उनकी माँ कांति देवी और दादी रामकली ये बैठी हुई थी घर के बाहर, 3 बाइकों से बेखौफ बदमाश आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके बाद असलहे से जो फायरिंग की थी वो उनके माँ और उनकी दादी को लगी है, जिसके बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए CHC खीरी भेजा गया, जहां से कांति देवी जो पीड़ित लकी जायसवाल है जो वादी है उसकी माँ को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं दो दादी है रामकली 55 वर्षीय, उनका इलाज चल रहा है। और जो इसमें आरोप लगाया है लकी जायसवाल ने तहरीर में, उसमें आपको बता दें प्रांशु सिंह पुत्र सुरेश सिंह, अभय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासीगढ़ ग्राम साड़ीनामा, निखिल गुप्ता उर्फ छोटू उर्फ चबेना पुत्र बीरू गुप्ता मोहल्ला एकता नगर ओयल, निखिल अवस्थी पुत्र सत्यप्रकाश अवस्थी ग्राम खागी ओयल थाना जिला व जनपद खीरी, व 3 अज्ञात बाइकों पर सवार होकर प्रार्थी के घर आधा दर्जन से अधिक बेखौफ बदमाश आए और पहले धमकी दी, उसके बाद फायरिंग की, फायरिंग में उसकी माँ और दादी घायल हुई और धमकी देते हुए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद आपको बता दें पूरे कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर COCT सहित अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, CHC में भी जहां पे उपचार हो रहा है घायल का वहां पे भी पुलिस बराबर नजर बनाए हुए है। और आपको बता दें COCT रमेश कुमार तिवारी, खीरी थाना के SHO जो है अजीत कुमार, 112 नंबर पुलिस सहित भारी पुलिस बल कस्बे में तैनात है, क्योंकि दिन दहाड़े ये सुबह 10 बजे की घटना है और ऐसे बेखौफ एक घटना जब घटी है तो कहीं ना कहीं पुलिसिया इकबाल पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, ऐसा पुलिस का कहना है। और पुलिस का ये भी कहना है कि पहले जो घायल हैं उनका उपचार कराया जा रहा है और जल्दी जो बेखौफ बदमाश हैं उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि जो असलहे गोली लगने से घायल हैं कांति देवी और रामकली ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? किसने मारा? अखिल सिंह के लोंडे था। और कौन कौन था साथ में? जानना कौन के लिए। किस मोहल्ले के रहने वाली हो? शिवाला। कितने लोगों को गोली लगी है? 2 लोगों को। दूसरा कौन है? दूसरा अंडी सास। दादी क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ रहने वाली हो? नहीं, क्या हुआ? नहीं, उनका नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ दादी? किसने मार दिया? तो ये कांति देवी और रामकली जिनका उपचार चल रहा है अस्पताल में, उनकी बाइट थी जो उन्होंने बोला है अपने बयान में। इसके बाद जो जो कांति देवी है पीड़ित जिसके गोली लगी है उसका बेटा लकी जायसवाल, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी मीडिया को, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लकी जायसवाल। क्या क्या ये तुम्हारे घर पर जो घटना हुई, क्या मामला है? मामला ऑटो वाला था, उसको बदतमीजी किए थे, थप्पड़ मारे थे। किसने? साड़ी नामा के प्रियांशु सिंह और यही सब लोग थे, दिवाकर। अगर ये लोग पहले पापा को मारने आए थे, उसके
उसके बाद में हमारा इनकी बातचीत हुई। कब की घटना है ये? ये हो गए हैं एक महीना हुआ जा रहा है। अच्छा अच्छा। आज आके घर पर गोली चलाई है, घर के अंदर घुसे हैं और फायर वायर किए हैं, हमको हमसे मारने कर रहे थे कोशिश, लेकिन हम बच गए। और मम्मी मेरे लगी है, दादी की लगी है, हम यहाँ थे नहीं। इससे पहले हमको ढूंढते थे, बीच बीच बच्चे लड़के और तमंचा लेके और गोली वोली चलाते हुए निकलते थे, मेरे घर पे आते थे, यहीं पे ढूंढते थे, गाली वाली देते थे, घर के अंदर घुस जाते थे। और हम यहाँ से भी कल आए हैं और एक महीना जो हुआ इसके बीच में भी बाद में कोई विवाद हुआ? हाँ, बाद में ये लोग हमको जो है ढूंढते थे मारने के लिए। गोली मारने के बाद ये हो तो भाई कि तुमका मरीबा गोली का मारने के बाद ये भी बताए हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको जरूर मारेंगे। अच्छा, आज ये जो घटना हुई क्या समय रहा हुआ, किस समय की घटना? 10 बजे के करीब। आप मौके पर थे? कितनी बाइक? एक दिन 3 गाड़ियां थी और परसों वाले दिन इनके यहाँ ऑटो ले गए हैं मेरा उठा के और पापा मेरे घर पे बिठाए हैं। और पहले तो हमारे पापा लगी कौन ऑटो उठा के ले गया था? अभय सिंह के यहाँ प्रियांशु सिंह थे और निखिल अवस्थी थे और अभय सिंह थे, यही 5-7-8-10 लोग थे। उसके बाद में जो है रात में जो है ऑटो जो है किसी ना किसी तरह लेके आए हैं चुपके से। कितने राउंड फायरिंग करे हैं? 3-4 राउंड करे हैं। बाइक से कितने लोग आए थे? 3 बाइक थी और आदमी 6-7-8 लोग थे। गोली किनको किनको लगी, किसको किसको गोली लगी? मम्मी के लगी है, दादी के लगी है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।